असलकम स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम किसी आइडिया के सोशल अपॉर्चुनिटी होने के हवाले से कंपेटिटिव एडवांटेज की बात करेंगे कंपेटिटिव एडवांटेज जो है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर बैरियर्स हैं बैरियर्स टू एंट्री इन द मार्केट ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पांच तरह के बैरियर्स जो हैं वो किसी मार्केट एंट्री के लिए सोशल एंटरप्रेन्योर को फेस करना पड़ सकते हैं सबसे पहले इकनॉमिक बैरियर्स। इकोनॉमिक बैरियर्स जो हैं वो किसी पोटेंशियल सोशल एंटरप्रेन्योर को एक मार्केट में दाखिल होने से रोक सकते हैं रुकावट बन सकते हैं उसकी आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन में इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि रुपये के या डॉलर टर्म्स में फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी हो वो भी है और सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके पास रिसोर्स हमेशा स्केर्ट्स होते हैं लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक बैरियर से मुराद ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो सकते हैं कि वो कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कोई ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस देना चाहते हैं जिसके कॉपीराइट्स राइट्स एक्सक्लूसिव हैं पहले ही किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी एंटरप्रेन्योर के पास हैं और वो वो प्रोडक्ट या सर्विस नहीं दे सकते इसी तरह कॉपीराइट्स के अलावा स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है बाज़ कामों को करने के लिए जैसे हाउसिंग की मार्केट है या ड्रग्स के हवाले से सर्विसेज हैं या बच्चों और बूढ़ों को जो सोशल सर्विसेज दी जाती हैं उसमें बाजुका स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए होता है ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ की मार्केट्स में ये एक बड़ा बैरियर है सोशल एंटरप्रेन्योर्स की एंट्री के हवाले से कि वो वो इक्विपमेंट उनको अवेलेबल नहीं होता उसकी इंपोर्ट के हवाले से बहुत सारे इश्यूज होते हैं स्पेशल कंसेशन और परमिशंस लेना पड़ती हैं और ये चीज़ें जो हैं वो पोटेंशियल सोशल एंटरप्रेन्योर को डिस्करेज करती हैं और बाजुकात एक अच्छे आइडिया को किल कर देती हैं कि वो चीज़ ही अवेलेबल नहीं है जिसके ज़रिए से आइडिया जो है उसको हम अपॉर्चुनिटी में ट्रांसलेट करते दूसरा जो बैरियर्स की टाइप है वो सोशल बैरियर्स हैं सोशल बैरियर से मुराद जो मार्केट है जो पोटेंशियल मार्केट है उसके अंदर जो नेटवर्क्स हैं जैसे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं जैसे सिविक ऑर्गनइजेशन हैं जैसे लेबर मार्केट या लेबर यूनियन है ये वो सोशल एलिमेंट्स हैं जो किसी पोटेंशियल सोशल एंटरप्रेन्योर को अगर इनका ताउन मिले इनकी तरफ से रिसेप्शन मिले तो वो अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकता है वो उसको एज अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकता है लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड जो लेबर स्किल्स हैं वही उस इलाके में अवेलेबल ना हो तो फिर वो आइडिया जो है वो एक्वाइबल अपॉर्चुनिटी नहीं है का उसकी कितनी ही ज़रूरत क्यों ना हो का उस पे कितना ही रिटर्न क्यों ना हो सकता हो लेकिन ज़ाहिर है बिल्कुल इक्विपमेंट की तरह अगर लेबर मुयसर नहीं है ट्रेंड और स्किल्ड जिसको उस आइडिया को ट्रांसलेट करना है एक प्रैक्टिस में एक सर्विस या प्रोडक्ट में तो उस आइडिया का आप कह सकते हैं कि कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है तीसरी टाइप जो बैरियर्स हैं एंट्री के हवाले से मार्केट में सोशल एंटरप्रेन्योर्स के वो इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हैं इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स से मुराद वो नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं जो उस मार्केट उस सर्विस या प्रोडक्ट और उस कम्युनिटी के हवाले से जो प्रवलेंट होती हैं ये नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो हैं वो फॉर्मल भी हो सकती हैं और इनफॉर्मल भी हो सकती हैं लेकिन ये एक बड़ा अगर आपका जो आइडिया है वो लोकल नॉर्म्स और वैल्यूज़ के साथ अलाइंड हो तो ये एक बड़ा कंपेटिव एडवांटेज बन जाता है और इसके उलट कि अगर वो अलाइन ना हो तो वो एक डिसएडवांटेज बन जाता है चौथी टाइप जो बैरियर्स टू एंट्री है वो फॉर्मल बैरियर्स हम उनको कहते हैं फॉर्मल बैरियर से मुराद हैं कि गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स नहीं होते लॉज मौजूद नहीं होते उस काम के हवाले से जो एंटरप्रेन्योर्स करना चाहते हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या तो मौजूद नहीं होती उस तरह का काम करने के लिए या उनको जो रेलिवेंट है उन्हें पता नहीं होता कि इस काम की जो परमिट्स हैं परमिशनस हैं या जो लैजस्लेशन uh, है या बाय रूल्स हैं वो क्या हैं किस तरह से हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी ये चीज़ें जो हैं वो पोटेंशियल सोशल एंटरप्रेन्योर के आइडिया को इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एक तरह से डिसएडवांटेज बन जाता है उसे कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं रहता अपने दूसरे कंपेटिटर्स के ऊपर जिनकी प्रोडक्ट्स और सर्विस के हवाले से रूल्स स्ट्रक्चर्स जो लेजिस्लेशन है और ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं लास्ट जो एक इम्पोर्टेंट बैरियर है जिसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए वो कल्चरल बैरियर्स हैं उस इलाके के लोगों के बिलीफ्स क्या हैं उनकी लैंग्वेज उनका स्लैंग क्या है जो आइडिया है वो उनके उस जो माहौल है उसके मुताबिक है जो प्रोडक्ट होगी उस आइडिया के नतीजे में या जो सर्विस होगी वो लोगों के जो एटिकेट्स हैं जो उनकी सेंसिटिविटीज़ हैं कल्चरल उनको नेगेटिवली इफेक्ट तो नहीं करेगी अगर नहीं तो कंपेटिटिव एडवांटेज होगा अगर हाँ तो ये एक बैरियर बन जाता है इन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो एक अच्छी मैनेजमेंट टीम जिसकी अच्छी मैनेजमेंट की स्किल्स हों जो इन बैरियर्स को जब जब ये सामने आए मैनेज कर सकें इन के जरिए से दूर कर सकते हैं और अपना कंपेटिटिव एडवांटेज बरकरार रख सकते हैं थैंक यू